हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यथार्थ शिक्षिका। आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, उसके बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने बताया था। इनका जन्म 6 मई 1856 को हुआ था। इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले इड, ईगो और सुपर ईगो। हम बात करेंगे ईगो सुपर ईगो क्या होता है। इड जो होता है वह प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ईगो जो होता है रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, और सुपर ईगो जो होता है मोरलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। इड की बात करें तो यह 3 साल पर डेवलपमेंट होता है, इड जो होता है 8 वर्ष पर डेवलपमेंट करता है, ईगो जो होता है 3 साल पर डेवलपमेंट करता है, सुपर ईगो जो होता है 5 साल पर डेवलपमेंट करता है। बात करें सर इड क्या होता है, इड के अंदर उन पर्सन को इंक्लूड किया गया है, या आपने बोल सकते हैं कि इड जो होता है एक जिद्दी पर्सन होता है। एग्जाम्पल के रूप में तीनों को समझते हैं, तो तीनों के अंदर एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि एक डायबिटीज मेलाइटिस का जो पेशेंट होता है उसको चॉकलेट खाने की इच्छा हो गई। जो ईगो होगा, ईगो इड और सुपर ईगो को डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। इसको डायबिटीज मेलाइटिस और चॉकलेट खाने की इच्छा है, पर सुपर ईगो बोलता है कि आपको चॉकलेट नहीं खानी, ये ना खाने का आदेश देता है। ईगो जो होता है ये इन दोनों को बैलेंस करने का काम करता है, वो बोलता है आप चॉकलेट का थोड़ा सा भाग खा लीजिएगा, ये जो होता है ईगो होता है। अब दूसरा एग्जांपल में आप ये कह सकते हो, ईद जो पर्सन होता है, एग्जांपल ग्रुप में अपने बात करते हैं, भी कोई भी गाड़ी है उसको वह स्पीड से चलाता है, स्पीड से चलाने पर उसको आनंद की अनुभूति मिलती है। अगर आनंद की अनुभूति मिलती है वो स्पीड से चलाता है तो ऐसा पर्सन ईद कहलाता है। दूसरी बात करें सर, ईगो और सुपर ईगो, सुपर ईगो वह पर्सन होता है इसको गाड़ी तेज चलाने से मना करता है, और जो ईगो होता है वह इन दोनों बात को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता है, ना तेज चलाने को बोलता है और ना इसको कुछ और करने को बोलता है, इसको वह सेफ्टी से सुरक्षित रूप से चलाने को बोलता है। और सर इसमें क्या है, इड ईगो सुपर ईगो होता है, इनको और नाम से भी जाना जाता है। और नाम से जैसे बात करें अपने, इड जो होता है इसको आप बोल सकते हो सर अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस बोला जाता है। माइंड का वह भाग जिसमें आपको अचेतन अवस्था बोलते हो, वह भाग होता है जिसमें आप बर्थ से लेकर जो भी आप पूरी प्रोसेस करते हो सभी को अनकॉन्शियस भाग बोला जाता है। सेमी कॉन्शियस भाग के अंदर ईगो में सेमी कॉन्शियस भाग को बोला जाता है अर्धचेतन, और सुपर ईगो होता है उसको कॉन्शियस भाग में बोला जाता है। एक बार फिर से बात करते हैं, इद जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर भाग होता है जो कि आनंद की अनुभूति होती है, ईगो जो होता है रियलिटी प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है, और जो सुपर ईगो होता है वह मोरलिटी प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। मतलब जो समाज के नियम वगैरह होते हैं उसको फॉलो करता है, इसके इद के अगेंस्ट में काम करता है कौन सा, सुपर ईगो। यह अपना एक टॉपिक था जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। थैंक यू।